नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल इलीगल माइग्रेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? अभी फिलहाल हमारे देश में 40,000 के आसपास रोहिंग्यास इलीगल तरीके से रह रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है इलीगल तरीके से 40,000 रोहिंग्यास जो इंडिया में रह रहे हैं इनको डिपोर्ट कर दिया जाए म्यांमार में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के इसी मूव के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में 2 रोहिंग्यास ने पिटीशन फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि हमें वापस म्यांमार में डिपोर्ट ना किया जाए, हमें इंडिया में रहने दिया जाए, हमें रिफ्यूजी स्टेटस मिले। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पिटीशन पर विचार कर रही है। ये कंटेस्ट है। बैकग्राउंड क्या है इलीगल माइग्रेशन का इंडिया में? देखो, इंडिया को लैंड ऑफ माइग्रेंट्स भी कहा जाता है। सदियों से, यानी सैकड़ों सालों से विभिन्न देशों से माइग्रेंट्स इंडिया में आए। अलग अलग रेसिस के थे वो, अलग अलग कल्चर्स के थे, और इंडिया में आके उन्होंने एक कंपोजिट सिविलाइजेशन का निर्माण किया। माइग्रेंट्स आए क्यों इंडिया में? माइग्रेंट्स इंडिया में अलग अलग रीजन्स की वजह से आए। कुछ पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से आए, कुछ इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से, कुछ सोशल रीजन्स की वजह से, कुछ कल्चरल रीजन्स की वजह से भी आए। आज भी देखो, हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ से माइग्रेंट्स का इंडिया में आना जारी है। लेकिन इशू यहां पर इलीगल माइग्रेंट्स का है। इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं? देखो, सिंपल डेफिनेशन है, 2 देश हैं ए और बी। ए देश का कोई नागरिक बी देश में चला जाता है, रहता है, लेकिन बी देश के इमिग्रेशन लॉस को वायलेट करता है, तो ए देश का वो नागरिक बी देश में होगा इलीगल माइग्रेंट। और लोकल इमिग्रेशन लॉस का वायलेशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए ए देश का वो नागरिक बिना डॉक्यूमेंट्स के बी देश में एंटर कर गया, या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ उस पर्सन ने एंटर किया लेकिन डॉक्यूमेंट अब एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बी देश में रह रहा है, इससे भी लोकल इमिग्रेशन लॉस का वायलेशन होता है, वो पर्सन इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। सिंपल भाषा में बात करें, बांग्लादेश का कोई नागरिक है इंडिया में आ गया बिना डॉक्यूमेंट्स के, तो वो इंडिया में कहलाएगा इलीगल माइग्रेंट। बांग्लादेश का कोई नागरिक अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया में आया 1 महीने के लिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया में रह रहा है, तो इंडिया में वो बांग्लादेश का नागरिक कहलाएगा इलीगल माइग्रेंट। वैसे देखो, कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स उपलब्ध नहीं है कि इंडिया में कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डेटा उपलब्ध करवाती रहती है। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया था कि हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या है ऑलमोस्ट 1.2 करोड़, लेकिन आज के समय में हमारे देश में इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ के हो चुकी है 2 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं। रिफ्यूजी का क्या मतलब होता है? देखो, मान लीजिए 2 देश हैं ए और बी। ए देश में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल वार चल रहा है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार चल रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो इस सिचुएशन में कोई पर्सन भाग कर बी देश में आ जाता है। अब देखो, उस पर्सन को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो ए देश में रहा तो वो मार दिया जाएगा, तो वो अपनी जान बचा के दूसरे देश में भागता है, तो वो कहलाएगा रिफ्यूजी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1959 के आसपास चाइना दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा था तिब्बत में, तो दलाई लामा और उनके कुछ फॉलोअर्स भाग कर इंडिया में आ गए थे, उन्होंने अपनी जान बचाई थी इंडिया में आके, तो ये केस है रिफ्यूजी का, यानी वो थे रिफ्यूजी। रिफ्यूजी की डेफिनेशन 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन में और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्टैट्यूट में भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेंट के बारे में। माइग्रेंट कौन होता है? माइग्रेंट की देखो कोई औपचारिक लीगल डेफिनेशन नहीं है। हर एक वो पर्सन जो अपने देश को छोड़ता है और दूसरे देश में जाता है वो माइग्रेंट है। बात यहां पर हम लीगल माइग्रेंट की या फिर इलीगल माइग्रेंट की नहीं कर रहे हैं। केरल से कोई पर्सन गया है गल्फ में काम करने के लिए लीगल तरीके से, वो भी माइग्रेंट है,
वो लीगल माइग्रेंट है। बांग्लादेश से कोई पर्सन इंडिया में आया है बिना डॉक्यूमेंट्स के, वो भी माइग्रेंट है, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट है। हर वो पर्सन जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है वो माइग्रेंट है, रीजन चाहे कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसाइलम सीकर की। मान लीजिए दो देश हैं ए और बी। ए देश में किसी कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार चल रहा है, किसी पर्सन को जान का खतरा है, वो पर्सन भाग कर बी देश में आ जाता है। बी देश ने हालांकि अभी तक उस पर्सन को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया है, लेकिन अप्लाई जरूर किया है उस पर्सन ने बी देश में रिफ्यूजी स्टेटस के लिए। वो कहता है मुझे जान का खतरा है ए देश में, इसलिए मैं भाग के आपके देश में आया हूं, मैं आपसे शरण मांगता हूं, एसाइलम मांगता हूं, आप मुझे एसाइलम दे दीजिए, एज ए रिफ्यूजी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो जब तक उस पर्सन की पिटीशन स्वीकार नहीं की जाती है वो पर्सन एसाइलम सीकर कहलाएगा, और एक बार उस पर्सन की पिटीशन अगर स्वीकार हो जाती है तो वो फिर रिफ्यूजी कहलाने लगेगा। समझ गए? जैसे बलूचिस्तान के एक लीडर हैं भुगती, वो फिलहाल वैसे इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो रह रहे हैं स्विट्जरलैंड में। उन्होंने इंडिया में एसाइलम मांगा है, उन्होंने कहा है कि मुझे इंडिया आने दिया जाए और रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन अभी इंडिया ने उनकी पिटीशन स्वीकार नहीं की है, उनकी पिटीशन पर इंडिया ने फैसला नहीं लिया है। तो बुगती इस केस में हुए एसाइलम सीकर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया में आज़ादी के बाद से ही पैटर्न क्या रहा है इलीगल माइग्रेशन का। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही इलीगल माइग्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया। 1964 में आज का जो बांग्लादेश है उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान में राइट्स हुए थे, तो बहुत से हिंदुओं ने इंडिया में आके जान बचाई थी। अगले साल 1965 में वार हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उस समय भी बहुत से हिंदू जो थे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे। 1971 में जब वार हुआ बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आ गए थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सरकार थी लोकल लोगों पर अत्याचार कर रही थी, तो अपनी जान बचाते हुए वो इंडिया में आ गए थे। उसके बाद श्रीलंका में सिविल वार जब हुआ तो श्रीलंका से भी बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आए अपनी जान बचाने के लिए। आज के समय में जैसा हमने डिस्कस किया 40,000 के आसपास रोहिंग्यास जो हैं इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलीगल माइग्रेशन के रीजंस क्या हैं इंडिया में। देखो, पॉलिटिकल फैक्टर्स, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और सबसे लास्ट में कुछ फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में इलीगल माइग्रेशन के लिए। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, देखो हमारे पड़ोसी देश में किसी कम्युनिटी पर अत्याचार होता है, जैसे 64 में 65 में हिंदू कम्युनिटी पर काफ़ी अत्याचार हुआ था, तो बहुत से लोगों ने इंडिया में आके जान बचाई थी। इसके अलावा 71 में भी वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार लोकल लोगों पर काफ़ी अत्याचार कर रही थी जैसा हमने डिस्कस किया, तो बहुत बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आ गए थे। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इलीगल माइग्रेशन के लिए। नेक्स्ट, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। देखो, बांग्लादेश में काफ़ी सारे ऐसे कानून बनाए गए, हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, लैंड और प्रॉपर्टी से एलिनेट कर दिया गया, तो बहुत से लोग इंडिया में आए, मतलब धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो वो इंडिया में आ गए। इवन म्यांमार में मुस्लिम्स के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वहाँ पर मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी में है म्यांमार में। जैसे ही 2001 में वार ऑन टेरर स्टार्ट हुआ, म्यांमार में कुछ लोगों के द्वारा ये नरेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया गया रोहिंग्यास जो हैं वो टेररिस्ट हैं। तो इसके बाद कुछ यूथ ने हथियार भी उठा लिए और म्यांमार की जो आर्मी इंस्टॉलमेंट्स हैं वहाँ पर अटैक हुआ। इसके बाद तो म्यांमार के कुछ एलीट लोगों ने नरेटिव और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, बोले कि देखो हम तो पहले ही बोलते थे कि ये टेररिस्ट हैं। तो म्यांमार की सरकार ने और ज़्यादा अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया रोहिंग्यास पे। रोहिंग्यास ने म्यांमार को छोड़ के दूसरे देशों में शरण लेनी स्टार्ट की। आज के समय में बड़ी संख्या में 10 लाख के आसपास रोहिंग्यास जो हैं बांग्लादेश में रहते हैं, और हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिया में 40,000 के आसपास इलीगल रूप से रोहिंग्यास रह रहे हैं। तो ये रिलीजियस रीज़न है जिसकी वजह से रोहिंग्यास के ऊपर अत्याचार हुआ और वो म्यांमार को छोड़ के दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। नेक्स्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखो, बांग्लादेश में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं स्केयर्स हैं। वैसे पूरे वर्ल्ड में ही रिसोर्सेज
कम होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड, फूड, एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये जो रिसोर्सेज हैं ये श्रिंक होते जा रहे हैं। तो बहुत से लोग जो बांग्लादेश के हैं उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर हम जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं, इंडिया में बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वो इंडिया में आ जाते हैं इलीगल तरीके से। तो ये एक रीज़न है ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट रीज़न भी इससे मिलता जुलता ही है, हमारे पड़ोसी देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट जब हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाती है, तो बहुत से लोग इंडिया में आ जाते हैं काम की तलाश में। इस पॉइंट को आप पॉवर्टी का नाम भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलीगल माइग्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं यानी प्रमोट करते हैं। पहला फैक्टर, पोरस बॉर्डर। देखो वैसे इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, लेकिन बॉर्डर इतना ज़्यादा पोरस है कि इलीगल माइग्रेशन को पूरी तरह से रोक पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, एथनिसिटी। आप देखो बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं और इंडिया में भी हिंदू रहते हैं, म्यांमार में भी मुस्लिम रहते हैं, इंडिया में भी मुस्लिम रहते हैं, तो एथनिसिटी सेम होती है। इसी वजह से हमारे पड़ोसी देशों में उस एथनिक ग्रुप के ऊपर अत्याचार होता है जिस एथनिक ग्रुप के लोग इंडिया में भी रहते हैं, वो भागकर इंडिया में आ जाते हैं। नेक्स्ट है फर्टाइल लैंड। इंडिया में लैंड काफ़ी फर्टाइल है, तो एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिखती है हमारे पड़ोसी देश के कुछ लोगों को, वो भागकर इंडिया में आते हैं। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्क। अब देखो पहले कोई पर्सन भागकर बांग्लादेश से या फिर म्यांमार से इंडिया में आया था, काफ़ी पहले आ गया था, ऑलमोस्ट 40 साल पहले, तो अब आज भी उस पर्सन की जो रिश्तेदारी है वो बांग्लादेश में है या फिर म्यांमार में है, वो अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है कि आप भी आ जाइए, मेरा काम यहाँ पे अच्छे से सेटल है, अगर आप इंडिया में आते हैं तो मैं आपको भी सेटल करवा दूंगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनवा दूंगा। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग है ना, ये भी इलीगल माइग्रेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट, करप्शन बाय सिक्योरिटी पर्सनल। देखो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF तैनात है जो इलीगल माइग्रेशन को रोकती है, लेकिन काफ़ी बार कुछ सिक्योरिटी पर्सनल करप्शन में संलिप्त पाए जाते हैं और वो पैसे लेके बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया में आने देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि पूरी तरह से इलीगल माइग्रेशन जो है वो नहीं रुक पा रहा है। सबसे लास्ट में पॉलिटिकल पैट्रोनेज। देखो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे देश में ऐसा लगता है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो हमारे वोट बैंक का हिस्सा हैं, इसलिए जो उनकी अप्रोच है इलीगल माइग्रेंट्स के प्रति सॉफ्ट रहती है, लिबरल रहती है, उनको राशन कार्ड्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं लिबरल तरीके से, ये गलत है। मतलब पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं होना चाहिए इलीगल माइग्रेंट्स को। ये हैं फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स के लिए। देखो वैसे आर्टिकल 51 में ये कहा गया है हमारे संविधान में, इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को सपोर्ट करेगा और अपनी भूमिका निभाएगा उनकी इम्प्लीमेंटेशन में। इलीगल माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ का जो इशू है आपस में कनेक्टेड है ना, तो इस वजह से इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में या फिर रिफ्यूजीज़ के बारे में आपको कुछ लिखना हो तो संविधान के आर्टिकल 51 का उल्लेख आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट में डिफाइन किया गया है इलीगल इमिग्रेंट वो है अगर कोई फॉरेन नेशनल हमारे देश में वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है, मान लीजिए एक महीने के लिए आया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होने के बावजूद एक महीने के बाद भी वो फॉरेन नेशनल इंडिया में रह रहा है तो वो हुआ इलीगल माइग्रेंट। या फिर अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में एंटर कर जाता है विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स तो वो भी कहलाएगा इलीगल माइग्रेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो फॉरनर एक्ट 1946 ये इम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है किसी भी फॉरेन नेशनल को वापस उसके देश में डिपोर्ट करने का। कौन सा एक्ट? फॉरनर एक्ट 1946। वैसे देखो 1951 की यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है रिफ्यूजी से संबंधित और 1967 का जो प्रोटोकॉल है रिफ्यूजीज के स्टेटस से संबंधित, इंडिया ने ना तो 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन किया है और ना ही 1967 के प्रोटोकॉल को साइन किया है। इंडिया में अभी फिलहाल कोई नेशनल लॉ या फिर नेशनल पॉलिसी नहीं है रिफ्यूजीज से संबंधित। 2011 में यूनियन गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को और यूटीज़ को
एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूर बताया था कि फॉरेन नेशनल्स जो अपने आप को रिफ्यूजी बताते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, लेकिन इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और दूसरे देशों के साथ फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो अलग अलग एजेंसीज रिफ्यूजी से डील करती हैं, इलीगल माइग्रेंट से डील करती हैं। इंडिया का अभी कोई प्रॉपर कानून या फिर प्रॉपर पॉलिसी नहीं है रिफ्यूजीज से संबंधित। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलीगल माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट देखो काफ़ी होता है इलीगल माइग्रेशन का। मान लीजिए बांग्लादेश से बहुत से लोग आकर असम में रहने लगे तो असम के लोकल लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो जाएंगी और लोकल लोगों का जो कल्चर है वो भी प्रभावित होगा और इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनका कल्चर डोमिनेट होने लगेगा। इलीगल माइग्रेशन की वजह से काफ़ी बार क्राइम्स में भी इजाफा देखने को मिलता है। बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स जिनको काम नहीं मिल पाता इंडिया में तो वो क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं और इलीगल माइग्रेशन की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी की ट्रैफिकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ जाती हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और इसकी वजह से देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है, लैंड ऑर्डर की समस्या पैदा होती है। कैसे? देखो इलीगल माइग्रेंट्स जब आएंगे इंडिया में, जैसे एग्जांपल के तौर पे असम में, तो लोकल लोग जो हैं उनका एक गुस्सा धीरे धीरे पनपने लगेगा इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट। तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, एक लोकल लोग और एक इलीगल माइग्रेंट्स, दोनों के बीच वायलेंस देखने को मिलेगा और इसी का फ़ायदा उठाएंगे कुछ लोकल पॉलिटिशियंस। वो और ज़्यादा नफरत फैलाएंगे इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट, और ज़्यादा उनके खिलाफ गुस्सा जो है वो पैदा होगा। तो इससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। इलीगल माइग्रेशन की वजह से मिलिटेंसी में भी इजाफा देखने को मिलता है। जैसे देखो बांग्लादेश में बहुत सारे इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स इंडिया में आए तो उनके खिलाफ वायलेंस हुआ, तो कुछ यूथ ने हथियार उठा लिए, उन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार किया। तो इलीगल माइग्रेशन की वजह से मिलिटेंसी भी बढ़ती है। तो हर एक डायमेंशन आप डाल सकते हो, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, क्राइम की डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की डायमेंशन, ये सभी डायमेंशंस आप डाल सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स किस प्रकार का रहा है। देखो लैंड एक्विजिशन एक्ट की सहायता से गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को ट्राइबल बेल्ट्स में और ब्लॉक्स में लैंड देने की कोशिश की है ताकि ट्राइबल्स के एलिनेशन को रोका जा सके और इलीगल माइग्रेंट्स और ट्राइबल के बीच वायलेंस ना देखने को मिले। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो तरीका है वो कारगर साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ट्राइबल्स को जो लैंड एलोगेट किया गया रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत वो दूर दराज के इलाकों में, बैरन एरियाज में या फिर काफ़ी रिमोट एरियाज में एलोकेट किया गया, तो इस वजह से जो लोकल ट्राइबल लोग थे वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए। नेक्स्ट, असम में आपको पता है एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरनर ट्रिब्यूनल ऑफ 1964, फॉरनर ट्रिब्यूनल की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। फॉरनर ट्रिब्यूनल से ये पता लग जाता है, मतलब फॉरनर ट्रिब्यूनल में जब ये केस चलता है तो पता लग जाता है कोई पर्सन जिस पे आरोप है वो इलीगल माइग्रेंट है या फिर नहीं है, मतलब वो फॉरनर है या फिर नहीं है। तो असम में अब एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है फॉरनर ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ा के 1000 कर दी जाएगी जल्द ही। नेक्स्ट, ऑपरेशन पुशबैक, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑपरेशन पुशबैक चलाया गया था ताकि डेटरेंस क्रिएट की जा सके और बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में ना आए। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटर बॉर्डर कंट्रोल्स, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर काफ़ी सारे मेथड्स अपनाए गए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, मैन पावर को इंक्रीज़ किया गया है, बॉर्डर आउटपोस्ट की जो संख्या है उन्हें बढ़ा दिया गया है, फेंसिंग कर दी गई है जहां पर की जा सकती है, बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड्स दिए गए हैं ताकि पहचान हो सके उनकी कि वो इंडिया के ही नागरिक हैं। इंडिया वैसे देखो पहला ऐसा देश है जिसने फेंसिंग की इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। तो ये सारे तरीके इंडिया ने अपनाए हैं इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। और एक बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, ये अभी पास नहीं हुआ है। ये बिल अगर पास हो जाता है तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हुआ है और वो भागकर अगर इंडिया में आए हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलना आसान हो जाएगा।
तो ये स्टेप्स इंडिया के द्वारा उठाए गए हैं इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, असम के साथ साथ और भी काफ़ी सारे राज्य इलीगल माइग्रेशन की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। नागालैंड में अब रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स को अपडेट करने की बात की जा रही है, और इस संदर्भ में नागालैंड की सरकार के द्वारा फैसला भी लिया गया है। इवन कर्नाटक भी इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या से परेशान है, वहाँ पे भी मांग की जा रही है कि असम की तर्ज पर हमारे यहाँ भी एनआरसी को अपडेट किया जाए, ताकि बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी पहचान की जा सके। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, वैसे देखो इंडिया 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन का और 1967 के प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की और इवन वर्ल्ड की बहुत सारी रिफ्यूजी से संबंधित और ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस को समर्थन दिया है, उनको साइन किया है। 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंडिया ने इसको अडॉप्ट भी किया है, और इस डिक्लेरेशन में साफ तौर पर बोला गया है इंडिया सभी पर्संस, चाहे वो देश के सिटीजन हों या फिर नॉन सिटीजन्स हों, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनके राइट्स को समर्थन देगा। तो जो लोग भाग कर इंडिया में आते हैं उनको इंडिया अच्छे ढंग से डील करे, और हमारा यही इतिहास रहा है। वैसे एक प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट भी है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट, मान लीजिए दो देश हैं ए और बी। ए देश के किसी पर्सन पर अत्याचार हो रहा है धर्म के कारण, जाति के कारण या फिर रेस के कारण, वो पर्सन भाग कर बी देश में आता है अपनी जान बचा के, तो बी देश उस पर्सन को मजबूर नहीं करेगा वापस उसी देश में जाइए जहां पे उसकी जान को खतरा हो सकता है। समझ गए? मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है धर्म के कारण, और वो भागकर इंडिया में आके जान बचाते हैं, तो इंडिया उनको मजबूर नहीं कर सकता कि आप वापस पाकिस्तान में ही जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में वो वापस जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट। किसी ने रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन किया हो या फिर नहीं किया हो, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट को फॉलो करना होता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलीगल माइग्रेशन से संबंधित। चलते हैं आगे नेक्स्ट जो आर्टिकल। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।